हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे जो कि आपका है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस पदार्थ। उसको हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे और ये हमारा वीडियो जो है पार्ट वन होने वाला है। इसके बाद और भी वीडियो आएगा, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट का क्लियर करेंगे। जैसे आप जिस प्रकार से कोचिंग पढ़ने जाते हो ऑफलाइन में, सेम उस प्रकार से हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फाइनल एग्ज़ाम 24 में होने जा रहा है या 25 में, ठीक है, तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या वीडियो होगा। और जो भी अभी हम थ्योरी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जो भी करवाएंगे, सेम टू सेम इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और इस बार एक भी नहीं रहेगा, ठीक है, और आपका क्लियर भी हम पूरा करते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहले आप लोग अगर लिखना चाहें तो एक पेन और कलम निकाल लीजिए बाद में और लिखते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए पहला यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ठोस पढ़ रहे हो, ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड स्टेट। तो देखिए पहले आता है पदार्थ, हमें जानना कि पदार्थ क्या है यानी कि मैटर्स क्या है, ठीक है। तो देखिए पदार्थ क्या होता है, वह जो निश्चित, ठीक है ना, वह जो निश्चित स्थान को घेरता है, कोई भी वस्तु है वह निश्चित स्थान को घेरता है। जैसे कि अभी मान लो एक ये गोला है, ठीक है, तो ये गोला जैसे ही बना तो क्या हुआ, यह एक स्थान को घेर लिया है, ठीक है। तो देखो यह पूरा का पूरा घेर लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये पदार्थ हो गया। यानी कि वह जो निश्चित स्थान को, जो निश्चित स्थान को घेरता हो वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िएगा तो जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा, निश्चित द्रव्यमान का मतलब होता है कि जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक गोला बनाए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यह निश्चित है या कुछ स्थान को घेरा, जैसे कि यह कुछ स्थान को घेर लिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, निश्चित कुछ यहाँ पर द्रव्यमान, ये जो इसके अंदर में द्रव्यमान निश्चित है यानी कि ये इसके बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना गोला के अंदर तक ही घेर रहा है, ठीक है। तो यही हो गया, द्रव्यमान क्या हो, निश्चित होता हो तो वह पदार्थ कहलाएगा। तो क्या समझ में आपको आ गया, आप लोग एक बार कमेंट कर दो, बिल्कुल आ जाना चाहिए। कैसे होगा, देखो सिंपल सा है, हम एग्जांपल भी बताएंगे। पदार्थ क्या है, तो वह जो निश्चित, निश्चित यानी कि निश्चित स्थान को क्या करेगा, ये गोला बना, तो यह निश्चित तौर पे है कि गोला बन गया, इतना दूर में ही बना है, ठीक है, तो यह गोला बन गया यानी कि कुछ स्थान को घेर रहा है। उसके बाद जो है इसका द्रव्यमान जो है निश्चित होना चाहिए, निश्चित हो गया यानी कि ये देखो यहाँ पर हम लोग घर से इसके अंदर में पूरा घेर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, निश्चित स्थान हो गया, यानी कि इसी को हम लोग पदार्थ कहेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए, परिभाषा होगा पदार्थ किसे कहेंगे, मैटर क्या है, तो मैटर वह स्थान, ठीक है, वह जो निश्चित स्थान को घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान निश्चित हो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक सॉलिड, ये बर्फ़ का गोला है, देखिए बर्फ़ का गोला है, तो जैसे कि बर्फ़ का गोला इस प्रकार से होता है। अब देखो बर्फ़ का जैसे ही गोला बना तो इसके अंदर में क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है ना, तो यह क्या कर रहा है, कुछ स्थान को घेर रहा है। और देखिए इसका जो है साइज भी समान है, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, साइज समान है यानी कि कुछ स्थान को घेर रहा है, साथ में इसका द्रव्यमान निश्चित है यानी कि साइज इसमें भर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो बर्फ़ आपका हो जाएगा पदार्थ। उसी के बाद देखिएगा यहाँ पर कफ में रखा हुआ एक देखिएगा चाय है, ठीक है, तो कफ में चाय है, तो देखिए कफ के ऊपर में ये भाप भाप निकल रहा है, आप लोग देखते हैं ना घर में खाना बनता है तो उसमें से भाप निकलता है, तो वो सब गैस है, वो भी तो कुछ स्थान को घेर रहा है, जैसे कि देखो ये गैस निकला हुआ है तो ये भी कुछ स्थान को क्या कर रहा है, घेर रहा है, तो ये भी आपका पदार्थ होगा। उसी प्रकार से गिलास में अगर हम लोग देखें पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो पानी देखो जैसे कि गिलास में रखा हुआ है, तो ये कुछ स्थान को क्या कर रहा है, घेर रहा है, जितना दूर पानी है उस स्थान को या पूरा का पूरा क्या कर रहा है, निश्चित स्थान है, यानी पहले तो स्थान निश्चित है, उसके बाद कुछ स्थान को क्या कर रहा है, द्रव्यमान घेर रहा है, तो ये आपका पदार्थ हो जाएगा। तो हो गया क्लियर आपका, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे कि पदार्थ क्या है, तो सीधे बोलना है वह जो निश्चित स्थान को घेरता हो तथा जिसका द्रव्यमान निश्चित हो वह पदार्थ कहलाएगा। एग्जाम्पल में पूछे तो बोल सकते हो कि गैस होगा, द्रव्यमान होगा, ठोस होगा, बर्फ, ये सब आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिएगा पदार्थ क्या, यहाँ पर पूछा क्या गया, पूछा गया कि पूछा नहीं गया, सीधे जानेगा पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं क्या क्या, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं टोटल 3 है, लेकिन यहाँ पर एक प्लाज्मा लिख दिए हैं मिस्टेक से, तो इसको छोड़ दीजिएगा। टोटल भौतिक अवस्थाएं 3 है, पहला है ठोस द्रव गैस, क्या है, ठोस द्रव गैस, याद कर लीजिए जल्दी से, क्या होगा नोट भी कर लीजिए, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएँ कितनी है, तो 3 है, कौन कौन है, तो ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है। अब हम लोग ठोस और द्रव और गैस को सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग प्लाज्मा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए
यहाँ से सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ठोस क्या है। देखिए ठोस जो है ना ये क्या होता है, इसको जान लीजिएगा तो काफ़ी बेटर होगा हमारे लिए। देखिए ठोस क्या है, तो ठोस जो है ना वह द्रव, द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार क्या हो, जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहते हैं। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल में पत्थर दिया है, बर्फ दिया है, लकड़ी दिया है, आदि दिया है ना। अब देखो यहाँ पर बता देते हैं कैसे होगा। तो एग्जाम्पल में देखो बर्फ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्फ जैसे ही बना तो इस प्रकार से बना, ठीक है। तो इसका आकार देखो ये निश्चित है बर्फ का, ठीक है। आयतन, आयतन भी इसमें आकार निश्चित है, इसमें भरा हुआ है या पूरा का पूरा, यानी कि यह या समान है। तो जिसका आकार कोई भी द्रव हो, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ठोस पदार्थ कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक इसमें जो डायग्राम बना हुआ है यह बर्फ ही है। तो बर्फ में देखिए बहुत सारा है ना, तो यहाँ पर क्या है, आयतन छोटा छोटा जो है ये सब आयतन व ये सब रखा हुआ है। तो इसका क्या है, तो इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ठोस कहेंगे। एक बार बोल देते हैं फिर से परिभाषा, सुनिए सही से। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर होगा, बर्फ होगा, लकड़ी होगा आदि, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव क्या है। तो देखिए बहुत ईजी है द्रव, ठीक है ना। तो द्रव हम लोग किसे कहेंगे, तो द्रव हम लोग उसे कहेंगे जैसे कि आप लोग देखिएगा, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, ठीक है। देखिए ऐसा पदार्थ, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं हो। देखिए वैसा, जैसे कि आपने ड्रम में देखा ना, ड्रम का उल्टा यहाँ पर कर दीजिए, तो देखिए गैस का उल्टा, ठीक है। देखिए ड्रम क्या है, तो ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं हो, यानी कि वो उसका कोई आकार नहीं है। अब जैसे कि हम लोग देखें हवा, ठीक है, पानी जैसे कि देख लेते, पानी है, तो पानी देखिए कभी इस प्रकार से रहता है, फिर कभी उठ जाता है, कभी नीचे इस प्रकार से, मतलब कहीं भी चला जाता है। तो पानी का आकार निश्चित नहीं हो, लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो उसे हम लोग द्रव कहेंगे। तो देखिए सिंपल सा भाषा में कहेंगे तो ऐसा पदार्थ जिसका आकार क्या हो, निश्चित ना हो, उसके बाद लेकिन उसका जो आयतन हो वो क्या होगा, तो निश्चित होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। अब जैसे दूध, देखो दूध आप लोग गिलास में देखते हो ना, रखा हुआ रहता है गिलास में दूध, तो उसका आकार तो निश्चित, आयतन तो निश्चित है कि हाँ इतना सा दूध है, लेकिन ये जो है गिलास के बाद गिलास को उल्टाते तो बाहर गिर जाता है, तो ये क्या है, निश्चित नहीं, एक जगह ये हमेशा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जैसे कि पानी है, तो पानी देखिए गिलास में तो रखा हुआ है, देख रहा है, दिख रहा है आपको। अब देखिए गिलास में पानी रखा हुआ है तो ठीक है, इसका जो है आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, क्योंकि जैसे ही गिलास को पलटेंगे हम लोग तो पानी बाहर की तरफ गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्रव कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ये दिया गया है एग्जांपल के लिए, इसमें बहुत सारा एक रखा गया, देखिए ये गैस, ठीक है, तो बाहर ये निकल जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो द्रव होगा। अब चलिए फिर से एक बार परिभाषा, ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार ना हो लेकिन आयतन हो, उसे हम लोग द्रव कहेंगे, जैसे कि दूध, पानी, खनिज, तेल, खून, पेशाब आदि, ठीक है। अब चलिए उसके बाद जो हमारा है गैस। देखिए गैस क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। देखिए इसका उल्टा कर लीजिए, ठोस का उल्टा कर लीजिए, जैसे ठोस आपने देखा ना, तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या था, निश्चित था, तो उसे हम लोग कहते हैं ठोस, उसी का उल्टा गैस होगा। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे गैस। जैसे कि देखो गैस क्या है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे कि देखो सांस आप लोग लेते हो, हवा जो चलता है वो आपको दिखता है क्या, वो तो हर जगह है, हवा इधर से उधर जाते रहता है। उसके बाद देखिए गैस, जैसे कि कप से देखिए क्या निकल रहा है, भाप निकल रहा है, चाय में से भाप निकल रहा है, ये आप लोग देखो, तो ये इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, क्यों, इसका ना ही आयतन निश्चित है ना ही आकार है, क्योंकि यह कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, हर जगह बहते जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे गैस, ठीक है। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, देखिए इसमें एक आयतन, यहाँ पर एक आकार है, आकार है लेकिन आकार से भी बाहर हो रहा है, देखिए कभी ये इधर जा रहा है, गैस इधर जा रहा है, हर जगह फैलते जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैस। तो सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन अनिश्चित हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग गैस कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, अमीबा आदि। क्लियर हो गया ना आपका। आप चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, एक आपका जो बनता है ना वो यहाँ से बनता है, जैसे कि बनता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है, देखिएगा क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बनता है उसे हम लोग आप देख लेते हैं।
देखिए जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कभी आपसे ठोस और द्रव में अंतर पूछता है या फिर कभी ठोस और गैस में अंतर पूछता है, तो तीनों को याद रखिए, कुछ भी पूछे तो आपको लिख देना है। और यह आपका लगभग जो है ना कितना नंबर के लिए पूछा जाता है, तो लगभग 5 नंबर के लिए या कभी कभी 2 नंबर में भी आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, एक तरफ लिख देना है ठोस पहले, दूसरा में द्रव, तीसरा में गैस, ठीक है। उसके बाद देखिए समझा देते हैं हम कि किस प्रकार से होगा। देखिए बहुत सिंपल है, पहला जो होगा ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, अभी आपने पढ़ा तो क्लियर हो गया। आपको लिखना है ठोस का जो है, ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। वहीं द्रव में जाएंगे तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, अभी आपने पढ़ा था परिभाषा में, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद गैस में चलेंगे ना, तो गैस का देखिए आयतन और आकार दोनों क्या था, अनिश्चित होता है, जैसे कि आपने गैस का ठोस का उल्टा गैस मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। तो ये पहला जो ऊपर वाला जो एक एक है ये परिभाषा आपका हो गया, तो परिभाषा ही एकदम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में लिखना है कि ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक न्यूनतम स्थान होती है। देखिए अभी आपने डायग्राम देखा था ना, ठोस में क्या था, इस प्रकार से बना हुआ था, इसमें क्या था कि इस प्रकार से बहुत सारा सामान रखा हुआ था, अणु, ये सब अणु था, तो इसमें देखिए इसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह बचा हुआ था, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें जो कहते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच अंतर आणविक न्यूनतम यानी कि छोटा छोटा गैप छोटा रहता है। उसके बाद देखिए हम लोग द्रव में जाएंगे, तो द्रव के अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान जो है ना, या किसके ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। देखिए एक बार दिखा देते हैं हम आपको, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये समझ लीजिएगा तो काफ़ी मुझे लगता है सही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए क्या, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा गैपिंग छूट रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए ये जो गोला है, गोला के बीच में थोड़ा थोड़ा गैपिंग छूट रहा है। उसके बाद हम लोग ड्रम में आएंगे, तो ड्रम में देखिए क्या हो रहा है, ठोस के बार जो है इसमें ज़्यादा गैपिंग छूट रहा है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर गैस में आए, तो गैस में देखिए बहुत ज़्यादा गैपिंग छूट रहा है ना, तो यही 2 नंबर पॉइंट का होगा। तो देखिए ये जो यहाँ पर लिखा था इसी को हम लोग देख लेते हैं, ये पॉइंट था आपका, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए 2 नंबर पॉइंट में देखा आपने कि ठोस के अणुओं के बीच अंतर स्पष्ट आणविक न्यूनतम होता है, और द्रव के अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान की अपेक्षा जो है थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, तो देखिए 3 नंबर जो है ना, 3 नंबर में होगा ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ठोस में आपने देखा, अभी आपने देखा था इस प्रकार से है, तो अभी आपने देखा था, देखिए जैसे कि ये सब चिपका हुआ था, जैसे कि अणु जो था सब सटा हुआ था, यानी कि इसके बीच में सभी के अणुओं के बीच में क्या है, तो आकर्षण ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है, तो ये सटा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर। चलिए क्या हुआ, तो ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, वहीं ड्रम में अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है ना ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा क्या था, कम होता है, और वहीं हम लोग गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल की बात करें तो न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए उसके बाद देखिएगा, न्यूनतम मतलब कम होता है ना, आपने देखा था ना इस प्रकार से था गैस में, तो गैपिंग कहाँ था, एक यहाँ था, तो देखिए गैप कितना ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है न्यूनतम है। अब चलिए चौथा जो है अंतर, ये होगा कि ठोस के अणुओं में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठोस का जो अणु है उसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, वहीं द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा जो है ना ठोस के अपेक्षा अधिक होती है, और वहीं गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा जो है ना सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये 5 नंबर के लिए लगभग पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पर से बढ़ेंगे, ठोस मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने आपको क्या बताया, ठोस बता दिया, द्रव बता दिया, गैस बता दिया, अब हम लोग बढ़ेंगे प्लाज्मा की ओर, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा क्या है, तो देखिएगा प्लाज्मा या गर्म अनियमित पदार्थ है। देखिए प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा एक गर्म और अनियमित पदार्थ है, इसके नाभिक में क्या होता है, ई पाए जाते हैं, यह अवस्था तारों में पाई जाती है। जैसे कि आपने सौरमंडल देखा होगा, जैसे कि ये डायग्राम के जरिए भी समझिए, देखिए बीच में सूर्य है, जैसे कि सौरमंडल में बीच में सूरज है, उसके बगल में बहुत सारा तारा है, पृथ्वी है, चांद है, और भी बहुत सारा उल्का पिंड है, ये सब क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, और इसके बीच में एक ई नाम का जो है ना क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए। तो देखिए प्लाज्मा क्या होगा, तो प्लाज्मा जो है ना यह गर्म अनियमित पदार्थ है, इसके नाभिक में ई
पाए जाते हैं, यह अवस्था तारों में पाई जाती है। क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल हो जाना चाहिए आपसे लिए। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि अब है आपका ठोस के गुण क्या क्या हैं, ठीक है। तो ठोस का गुण क्या क्या है, तो ठोस का पहला गुण है ना कि ठोस आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा घनत्व, गलनांक और क्वथनांक का मान उच्चतम होता है। कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि ठोस का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होता है, तो सबसे ऊंच होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है दृढ़ता और अस्पम पिंडता का गुण जो है होता है। देखिए इसमें ठोस में कभी भी पूछे कि किसका किसका गुण होता है, तो दृढ़ता का और अस्पम पिंडता का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद है चौथा नंबर अवयवी कणों के मध्य पलबल अंतरकण बल होता है। देखिए अवयवी जो होता है जैसे कि आपने देखा था ना इस प्रकार से था, तो इसके बीच में अंतर बल होता है, ये अणु था अणु के बीच में आकर्षित बल होता है, तो ये जो है मध्य में क्या होता है, पलबल बल अंतरकण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका कि ठोस के क्या क्या गुण है। अब चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, जैसे कि अब है यहाँ पर ठोस के वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण क्या किया गया है। तो देखिए अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है ठोस का वर्गीकरण किया गया है वो यहाँ से होगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो किया गया है यहाँ पर है आपका क्लिस्टरिया ठोस, उसके बाद दूसरा होगा अक्लिस्टरिया ठोस, दो प्रकार में अंतर किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जो है कर लेते हैं, समझाते हैं आपको क्लियर करके। देखिए क्लिस्टर क्या है, क्लिस्टर सॉलिड, ठीक है, क्लिस्टर ठोस क्या है, तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जैसे कि अणु हो गया, परमाणु हो गया अथवा आयन हो गया, तो ये सभी त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इसी को क्लिस्टरिया बल कहेंगे। आप देखो समझ लो क्लिस्टरिया क्या है, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, जो एक व्यवस्था में रहे, जो एक व्यवस्था में रहता है ना, उसे हम लोग क्लिस्टरिया बल कहेंगे। जैसे कि आप लोग स्कूल में देखते हो क्या होता है, प्रार्थना होता है ना स्कूल में कॉलेज में, तो वहाँ पर क्या होता है, नियमित सभी एक लाइन में रहते हैं व्यवस्थित में, तो ये आपका हो जाएगा क्लिस्टरिया ठोस, इसी को क्लिस्टरिया ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी नियमित है, ये भी नियमित है, ये भी नियमित अणु है, सभी नियमित एक समान है, व्यवस्थित एक व्यवस्था में, तो सीधा सीधे शॉर्ट भाषा में कहें तो क्लिस्टरिया किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो एक नियमित व्यवस्था में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो क्लिस्टरिया ठोस कहेंगे। तो ये अपनी भाषा में लिख सकते हो, और ये परिभाषा है ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जो है अवयवीकरण त्रिविम हो, उसे त्रिविम्ब में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हों, उसी को क्लिस्टरिया ठोस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हीरा, एग्जाम्पल देखें तो हीरा, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सभी क्या होता है, एक नियमित में होता है। आप चलिए उसके बाद हम लोग अगर देखें कि क्लिस्टरिया ठोस क्या है, तो देखिए क्लिस्टरिया को इंग्लिश में कहेंगे नॉन क्लिस्टर क्लिस्टर सॉलिड, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसी को क्लिस्टरिया ठोस कहेंगे। तो आप क्लिस्टरिया देखिए, क्लिस्टरिया में क्या होता था कि एक नियमित व्यवस्था में था, और इसमें नियमित व्यवस्था में नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा क्लिस्टरिया का, ठीक है। तो क्लिस्टरिया का उल्टा अक्लिस्टरिया होगा। तो जैसे कि देखिए क्या होगा, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग अक्लिस्टरिया ठोस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, तो आपने देखा था क्लिस्टर क्लिस्टर में क्या था कि एक व्यवस्थित में था ना, इस प्रकार से समान में था। अब देखो यहाँ पर क्या, तो ये व्यवस्था में नहीं, एक इधर है एक इधर है, मतलब ऐसे है इधर है इधर है, कहीं भी आया, मतलब स्कूल में होता है ना कि कोई आया बच्चा इधर उधर लग गया व्यवस्था में नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अक्लिस्टरिया ठोस कहेंगे। डायग्राम के जरिए देखिए है ना, तो ये आपका अक्लिस्टरिया ठोस होगा, जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक आदि, ये सब आपका एग्जांपल होगा। तो अक्लिस्टरिया ठोस क्लियर हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ना क्लिस्टर एवं अक्लिस्टर में अंतर बतलाना है, ठीक है। तो क्या क्या अंतर है, तो चलिए आप देख लेते हैं अंतर क्या क्या है। तो डायग्राम आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा, इस प्रकार से लकीर दे दीजिएगा, हम उतना देना भूल गए थे, इस प्रकार से देख करके आपको जो है ना लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो देखिए जैसे कि गुण लिखना है आपको, गुण क्या क्या है, उसके बाद लिख देना है क्लिस्टरिया ठोस, और उसके बाद अक्लिस्टरिया ठोस। तो देखिए ज्यामितीय में जो है गुण क्या होता है, ज्यामितीय में अगर हम लोग क्लिस्टर की बात करें तो निश्चित होता है, और अक्लिस्टरिया अनिश्चित होता है, यानी क्लिस्टर क्या होता है कि निश्चित होता है, और क्लिस्टर क्या होता है अनिश्चित होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद थोड़ा सा देखो
उसके बाद क्या है आंतरिक संरचना के आधार पर देखें तो इसमें क्या है क्रिस्टल में क्या होगा तो ये कणों का निश्चित क्रम होता है, कणों का निश्चित क्रम यानी कि एक यहाँ इस प्रकार से होगा। वहीं अगर हम लोग अक्रिस्टल की बात करें तो कणों का अनिश्चित होगा यानी कि एक यहाँ ऐसे करके होगा, तो ये अंतर होगा। उसके बाद अब ये अंतर हो गया, बस दो ही अंतर लिखना था एग्जाम में, दो नंबर के लिए ये आपको क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर पूछता है तो आपको दो ही लिखना है तो दो नंबर मिल जाएगा। आप चलिए हम लोग जो देखेंगे ना ये देखेंगे आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, ठीक है ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, देखिए पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल जाता है, मिट भी जाएगा इसका, और वैसे भी जो पहले से व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में थे उनको मिल चुका है। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो आपको नहीं पता है तो आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो आगे बता दूंगा। लेकिन पीडीएफ से पहले कि ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो तो ट्वेल्थ में आप रट्टा मारोगे तो काम नहीं चलेगा, जितना समझ लोगे उतना बेटर है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जो है आएगा पार्ट वन इसी का आएगा, पार्ट वन अभी है, पार्ट टू जैसे ही आएगा तो आप लोग समझ पाओगे और आसानी से कोचिंग ना करके भी ऑनलाइन की व्यवस्था से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो चलो देखो आणविक ठोस क्या है, तो आणविक ठोस सीधा सीधी कह सकते हैं कि आणविक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके क्लस्टरों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, जैसे कि अणु होते हैं और आणविक ठोस में इन अणुओं के मध्य वाड्रवाल्यबल पाए जाते हैं। देखो डायग्राम के जरिए हम समझाने का कोशिश आपको अगर करते हैं तो देखिए ये डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है ये डायग्राम है। अब देखो डायग्राम में आप लोग देखो तो जैसे बर्फ है, अब देखो आपने बर्फ देखा होगा ना, बर्फ देखा है तो बर्फ देखिए कैसे आप देखते हो ना कि बर्फ जो है इस प्रकार से रहता है सटा हुआ, क्योंकि वो तो अभी पिघल सकता है ना, पिघलना चाहिए उसको, पिघलता क्यों नहीं है तो देखो क्यों नहीं पिघलता है बता देते हैं। उसमें क्या होता है कि बर्फ के अंदर में अगर आप लोग ये डायग्राम देखो तो ये पूरा बर्फ है, ठीक है। अब देखो ये बर्फ जो है ना बाहर से ये देखो सब ये आपका जो है बाहर का जो भाग है, अब इसके अंदर में ब्लैक ब्लैक जो आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो ब्लैक ब्लैक बिंदु, ये सभी क्या है कि सभी जितने भी बर्फ है ना सभी को एक दूसरे की तरफ क्या करते आकर्षित करते हैं यानी खींचते हैं, जिससे बर्फ जो है एक साइज में बना हुआ रहता है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है, चिपका रहता है। तो जैसे कि ये बर्फ भी देखो कैसे बना, ये पूरा का पूरा सभी बर्फ इसके अंदर में जो क्या पाए जाते हैं अणु होते हैं, ये अणु देखो अणु इसके अंदर में होते हैं, ये सभी ब्लैक वाला अणु है, ये सभी क्या करते हैं कि बर्फ जो है उसको खींच कर रखते हैं अंदर में चिपका देते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे आणविक अणु कहेंगे। तो एग्जांपल देखिए ठोस जैसे आपका CO2 होगा, बर्फ होगा, आयोडीन होगा, मेथ्रोलिन होगा, तो देखो आपको डायग्राम के जरिए मैंने बता दिया क्या होगा तो आणविक ठोस क्या है, तो आणविक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके क्लस्टरों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं एवं आणविक ठोस में इन अणुओं की मध्य वाड्रवाल्यबल लगता है। देखिए इस प्रकार से मध्य इधर से क्या हो रहा है, इधर से एक बल लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, दो तरफ से बल लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे तो वाड्रवाल्यबल कहेंगे, ठीक है। आप चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, आप देखो इसके बाद हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये होगा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड क्या होगा तो समझिएगा, धात्विक ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होगा धातु परमाणु के होते हैं, धातु परमाणु का होगा। देखिए इसमें भी सेम वही बात है, आपने क्रिस्टल अभी पढ़ा ना आणविक पढ़ा, उसके बाद जैसे कि देखिए धातु ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो क्रिस्टल होते हैं ना क्रिस्टल संरचनात्मक इकाई जो है इसमें संरचनात्मक इकाई धातु और परमाणु होते हैं, इन ठोसों के परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। अब देखो डायग्राम के जरिए आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में CO कॉपर हम लोग लें तो ये देखो कॉपर है, अब देखो कॉपर कैसे चिपका हुआ है, देखो यहाँ पर कॉपर जो इस प्रकार से घूम रहा है चारों तरफ, अब देखो यहाँ पर पीला बिंदु आपको दिख रहा है, पीला बिंदु दिख रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है जो ठोस है ये सभी जो ये जो पीला बिंदु है ये सभी क्या है तो ये सभी धातु और परमाणु है, ठीक है धातु और परमाणु है, ये सभी क्या कर रहा है एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है और चारों तरफ घूम कर ये व्यवस्थित में। अब देखो यहाँ पर भी एक डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि चारों तरफ देखिए इस प्रकार से बिंदु है, ये सभी चारों तरफ क्या है धातु और परमाणु है, ये सभी व्हाइट जो दिख रहा है आपको धातु और परमाणु है, और इसके बीच में एक एक रैकलिंग आप लोग देखेंगे इस प्रकार से जो है ना ये सभी क्या है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये सभी आपका हो जाएगा। देखिए एक चीज़ समझना फिर से, ये सभी पदार्थ देखो ये सभी व्हाइट पदार्थ, ठीक है पदार्थ है। अब देखो ये जो लकील वाला आप लोग देख रहे हो छोटा बिंदु, ये सभी क्या है तो धातु और परमाणु है, और ये सभी क्या कर रहा है एक दूसरे की तरफ
तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, तो ये सभी एक व्यवस्था में है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही, वो आर्गन निकेल ये सब एग्जाम्पल होगा। अब देखो फिर हम परिभाषा समझाएंगे तो समझ आ जाएगा। देखो धात्विक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई किस क्या क्या होता है, तो धातु और परमाणु के होते हैं। इन ठोसों के परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध बने होते हैं, धात्विक आबंध जो है एक मध्य में जो है धात्विक आबंध बने होते हैं, जैसे कि ये सभी धात्विक आबंध बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी बंध बन गया, यहाँ पर भी देखो तो ये सभी पीला पीला वाला बंध बन गया। तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि धात्विक ठोस किसे कहेंगे। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि है क्रिस्टल ठोस के प्रकारों का एक दृष्टि में अध्ययन करते हैं। चलिए शॉर्ट में हम लोग क्रिस्टल पदार्थों के बारे में शॉर्ट में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि क्रमशः लिख देना है डायग्राम के जरिए, क्रिस्टल के प्रकार क्या है, संघटक रचना कण। ठीक है, तो चलो जैसे कि क्रिस्टल के प्रकार पहला जो है आयनिक है, तो आयनिक ठोस, तो ये इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, माइनस क्या पाया जाता है, प्लस और माइनस दोनों पाया जाता है आयनिक ठोस में। देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछेगा कि क्रिस्टल के आयनिक में किस प्रकार का संघटक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्लस माइनस, यानी कि धात्विक और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन पाया जाता है, इसी को हम लोग आयनस भी कह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब दूसरा जो है ना, क्रिस्टल के सहसंयोजी ठोस में क्या पाया जाता है, तो परमाणु पाया जाता है। सहसंयोजी ठोस में क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है। तीसरा देखें तो आण्विक ठोस में क्या पाया जाता है, तो आण्विक ठोस में अणु पाया जाता है। तो ये आपको सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब देखो अगला है कि धात्विक ठोस क्या है, तो धात्विक ठोस में पाया जाता है धातु परमाणु। ठीक है ना, धात्विक ठोस में धातु परमाणु। जैसे पूछ देगा कि क्रिस्टल के धात्विक ठोस में क्या पाया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो आपको यहां पर टिक मारना है धात्विक परमाणु। अब उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ पर और है, प्रमुख बल, जैसे कि गुण हम लोग देख लेते, प्रमुख बल, गुण और उदाहरण, ये सब देख लेते हैं धात्विक में। जैसे कि यहाँ पर है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं आयनिक आबंध। आयनिक बंध क्या है, तो आयनिक बंध का गुण क्या क्या है, तो पहला ये तो कठोर है, भंगुर है, उच्च होता है, गर्नांक होता है, ठोस होता है, ठोस अवस्था में कुचालक और प्रगति या फिर विलयन में सुचालक होता है, ये सब आपको गुण याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि उदाहरण अगर देखा जाए तो NaCl, CsCl, KCl और ZnS, ये सब आपको याद रखना है। अब उसी प्रकार से सहसंयोजी बंध में ये सब क्रिस्टल का गुण पूछ बताया जा रहा है। क्रिस्टल में जैसे सहसंयोजी का बंध पूछा जाए, सहसंयोजी बंध का गुण क्या है, तो गुण होगा अत्यंत कठोर होगा, उसके बाद अति उच्च गलनांक होगा, ऊष्मा होगा, एंड साथ में विद्युत के कुचालक होगा, जैसे और ये सभी ग्रेफाइट को छोड़कर सभी में होगा। अब देखो इसका उदाहरण होगा हीरा, ग्रेफाइट, SiCO2 और क्वाटन SiC। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उसी प्रकार से दुर्बल वांडर में क्या होगा, दुर्बल वांडर यानी कि वाल्स बंध के में क्या क्या गुण होगा, तो इसमें होगा मुलायम होगा, निम्न होगा, गलनांक होगा, उच्च होगा, विद्युत के कुचालक होगा, निम्न त्वत्व और भाष्पशील ठोस होगा। ठीक है, तो उदाहरण देखो ठोस होगा CO2, शुष्क, बर्फ, आयोडीन और नेफ्लेस्टीन। अब चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे धात्विक आबंध में क्या क्या गुण है, तो इसमें ये मुलायम होता है, कठोर होता है, मुलायम और कठोर दोनों होता है, उसमें एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, साथ में तन्न होता है, उसके बाद देखिए आघात वर्धनीय चमक निम्न होता है, साथ में इनमें निम्न से उच्च गलनांक का भी होता है। तो ये सभी आपको शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, ये सभी याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाएगा। जैसे कि Fe लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आप चलिए उसके बाद हम लोग चलिए ये सब PDF आपको हम दे देंगे, अगर आप लोग लिख पाते हो तो वीडियो को लोक करके लिख भी सकते हो। ठीक है, आप चलो देख लेते हैं जालक बिंदु क्या है। जालक बिंदु को कह सकते हैं लेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो जालक बिंदु देखो सबसे पहले हम चाहेंगे डायग्राम समझा देते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये देखो डायग्राम सबसे पहले देखो डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखो डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है, एक इधर से बना, ठीक है, और एक इधर से बना।
अब देखो इसको हमने मिला जब दिया इस प्रकार से, जब हमने इसको मिला दिया तो क्या क्या बिंदु बना, यानी कि चारों तरफ ये बिंदु बना, जहाँ जहाँ बिंदु ये बन रहा है ना, जहाँ जहाँ भी बिंदु बन रहा है, यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना, ये सभी जो बिंदु बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टल के रचक में इसी को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है, अब देखो परिभाषा के जरिए और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि क्रिस्टल के चालक अवयव परमाणु अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं, जैसे कि ये बिंदु सभी है ना इसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये बिंदु जो है जालक बिंदु कहलाते हैं, ये सभी बिंदु जो है जालक बिंदु कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है क्रिस्टल के चालक अवयव परमाणु अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये जालक बिंदु कहलाते हैं। अब चलो ये क्लियर हो गया। अब क्रिस्टल जालक क्या है, तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि एक ये डायग्राम बना, एक इधर से बना, इसी में देखो और भी बहुत सारा आ जाएगा, इधर से बना फिर इधर आ जाएगा, इधर से इधर, मतलब बहुत सारा बन जाएगा। यहाँ पर देखो अनगिनत बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब अनेकों आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल जालक, यानी कि क्रिस्टल लेटिक्स। ठीक है, आप देखो इसको समझ लेते हैं क्रिस्टल जालक क्या है। तो जालक बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई ज्यामितीय क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। तो सिंपल सा अर्थ हो गया कि जिसमें तीन जो है अब तीन स्थान हो, जैसे कि तीन स्थान हो उसे हम लोग कहेंगे त्रिविम स्तर। जैसे कि ये देखो इधर से मिला, ये इधर से मिला, ये देखो इधर से मिला, ये इधर से मिला, ये इधर से मिला ना, ये इधर से मिला और ये इधर से मिला, ये इधर से मिला, ये इधर से मिला। और देखो इसमें अनेकों बिंदु आ गए, क्या आ गए, आ गया, मतलब तीन बिंदु मिला उसके वजह से बहुत सारा यहाँ पर बिंदु आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब देखो आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आगे देखना, अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल क्या है, इकाई कोशिका क्या है। ठीक है, तो इकाई कोशिका ज़्यादा कुछ नहीं है, देखना आप लोग इकाई कोशिका क्या है, डायग्राम यहाँ पर कोशिका का बना हुआ है। तो देखो इकाई कोशिका हम लोग उसे कहेंगे किसी क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में बराबर पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग कोशिका, इकाई कोशिका कहेंगे। ठीक है, देखो ये डायग्राम, देखो इसी डायग्राम के जरिए ये डायग्राम जैसे ही बना, इसमें देखो बहुत सारा बिंदु आ गया और ये जो डायग्राम बना है ना यही त्रिविम द्वारा बना गया है, तो इसी को हम लोग कोशिका, इकाई कोशिका कहेंगे। तो इसका डायग्राम ये है कोशिका का, तो इसमें भी देखो एक नहीं एक इधर से बना है, एक इधर पार्ट बना और एक बीच में पार्ट बना, ये तीन पार्ट से बना है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इकाई कोशिका कहेंगे। तो इसका इकाई कोशिका का जो है ये इसका परिचय इंट्रोडक्शन क्या होगा, यानी कि परिभाषा होगा कि किसी क्रिस्टल जाल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिविम में बराबर पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग इकाई कोशिका कहेंगे। अब चलो अब आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साधारण घनिया सेल क्या है, यानी कि SCC। ठीक है, तो देखो साधारण घनिया सेल क्या है, तो इस प्रकार के इकाई कोशिका में जालक बिंदु केवल कोने पर व्यवस्थित उपस्थित होते हैं। आपने देखा ये हमारा है डायग्राम, देखो ये है हमारा डायग्राम, ये है हमारा डायग्राम, इधर से सॉरी इधर से देखना डायग्राम है, तो ये असाधारण साधारण घनिया इकाई सेल जो है यहाँ पर देखो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, छह बिंदु, सात बिंदु, आठ बिंदु, ये जो कोने पर बिंदु मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनिया साधारण घनिया सेल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण घनिया सेल, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो क्या कहेंगे, साधारण घनिया सेल का परिभाषा होगा इस प्रकार के इकाई कोशिका सेल में जालक बिंदु केवल कोने पर पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उपस्थित में कहेंगे, और इसे हम लोग कहेंगे क्या, तो इसे कहेंगे हम लोग साधारण घनिया सेल। अब चलो आगे इसी में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि SSC में एक रचक अवयव केवल कोने पर स्थित होते, कोने पर अभी हमने डायग्राम में दिखाया, ये भी देखो डायग्राम है, कोने पर स्थित है ना, कोने कोने पर स्थित रहता है, कोने कोने पर स्थित है, और इसमें घन और एक घन में लगभग जो है 8 कोने होते हैं। अब देखो गिनती कर लो, ये घन जो बना देखो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, छह बिंदु, सात बिंदु, आठ बिंदु, टोटल घन में अगर बात करें कि एक साधारण
अगर आपसे पूछे साधारण घनीय सेल में कितने बिंदु होते हैं, तो टोटल 8 बिंदु होते हैं, जो यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए दिख रहा है। अब देखो इसमें अगर हम लोग इसी के जरिए निकालना चाहें कि अथा हम लोग निकालें, अथा इस प्रकार एकक सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो देखिए एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या 1/8 होता है, टोटल इसमें 8 है, तो 8 हम लोग देंगे और इसको हम लोग काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि सीधे कह सकते हैं कि 8 जो बिंदु बना है, एक एक सेल में जो 8 बिंदु बना है, वो सिर्फ एक घन से बना, ये एक ही ना घन है, तो एक घन से बना तो एक होगा, तो याद रखना आपको ये, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहीं पे आज इस क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, वैसे भी हमको लगता है चला गया है 30 मिनट प्लस हो चुका है, ठीक है। और यह फर्स्ट क्लास था, पार्ट 1 था, इसके आगे हम लोग चलेंगे अगली पार्ट में, जब हम आएंगे पार्ट 2 में, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, देख लीजिएगा अभी सही, हम आगे पढ़ेंगे अंतःकेंद्रीय केंद्रित घनीय सेल यानी कि BCC को हम लोग पढ़ेंगे, और ये लगभग आपका 3 से 4 क्लास में आपका जो है यह क्लास समाप्त हो जाएगा पहला चैप्टर का। फिर नेक्स्ट चैप्टर और अदर सब्जेक्ट जो फिजिक्स होगा वो सभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग PDF अगर लेना चाहें, अगर आपको नहीं मिला है, वैसे तो सभी को मिल ही चुका होगा, पहले नहीं मिला होगा तो इस पर आप लोग मैसेज मुझे करना, मैं आपको WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, उसके बाद वहाँ पर आपको PDF या पूरा डेली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आपने ये भी देख लिया किस वर्ष के लिए क्लास है, तो देख लीजिए ये जो क्लास आपका चल रहा है, सेशन जो चल रहा है ना, ये कब कब के लिए है, तो देख लीजिए ये आपका 2024 में एग्जाम डर और 25 में डर दोनों के लिए है, तो ये भी देख लीजिए। जैसे ही आपका ये चैप्टर ये सब इंट्रोडक्शन के साथ चल रहे हैं हम लोग, ये जैसे इंट्रोडक्शन वाला समाप्त होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और आपको बिना कोचिंग, अगर आप लोग कोचिंग ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो फिर भी आप लोग यहाँ से अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो भी फ्रेंड आपका है उनमें शेयर कर लीजिएगा और उनको बोलिए वीडियो को लाइक कर, ठीक है। और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट में बतलाना कि क्या समझ में आया या फिर नहीं, और कैसा लगा क्लास। चलिए धन्यवाद।